हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में आप लोगों को जितने नेस्ट बने हुए हैं चिड़ियों के वो दिखाऊंगी और कैसे इतनी ग्रीनरी ऐड करने पे और इस तरह के फ्लावर वाले प्लांट लगाने पे आपके गार्डन में चिड़ियाँ आती हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं मेरी वीडियो में। मेरे घर में करीब 7 से 8 नेस्ट बने हुए हैं और मुझे इस बात का बड़ा प्राउड होता है हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि कुछ ऐसा माहौल डेवलप करूं जिससे मेरे घर में बहुत सारी बर्ड्स आएँ। इसलिए मैंने वेजिटेबल से ज़्यादा फूलों के प्लांट्स लगाने शुरू किए और अपनी मिट्टी को इतना ऑर्गेनिकली रिच रखती हूँ जिससे ये सब अच्छे से पल सकें। जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आप अगर फूलों वाले प्लांट लगाते हैं तो आपके गार्डन में सनबर्ड जैसे बर्ड्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि नेक्टर कलेक्ट करते हैं वो बर्ड्स। और दूसरा स्पैरो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्पैरोज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो आप जिस तरह से हम उनके घर में घुसते जा रहे हैं, जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है, तो आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए ज़रूर पानी रखें अपने बालकनी में। जहाँ भी आपको थोड़ी सी जगह मिले उनके लिए थोड़ा सा दाना पानी रखें, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए सीड्स नहीं रखने चाहिए, नेचर पे रहने देना चाहिए, उन लोगों को डिपेंड रहने देना चाहिए। लेकिन हमने नेचर छोड़ा कहाँ है उनके लिए? हमने तो सारे पेड़ की कटाई कर दी है, हमने जगह जगह अपने आशियाने बना लिए हैं, कहाँ जाएंगे वो? तो इसके लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। और आप देखेंगे मेरी बालकनी में हर साल स्पैरोज़ नेस्ट बनाती हैं। हर साल बारिश के मौसम में मॉर्निंग से लेके उनकी चहचहाट गूंजती रहती है मेरे बालकनी में। और आप लोग क्लिपिंग देख करके आप लोगों को लगेगा कि आप लोग भी ऐसा ही करना चाहिए आप लोगों को भी। एक दिन मैं अपने छत पे आई तो मैंने देखा कि सनबर्ड ने नेस्ट बनाया हुआ था उसमें, और जनरली वो 3 अंडे देती हैं, लेकिन मैंने देखा कि उसमें 4 एग्स थे और इतना छोटा सा उसका नेस्ट था। और जब बेबीज़ बड़े होने लगे तो उसमें एक बच्चा जो था वो बहुत वीक था। तो मैं तो हमेशा देखती रहती थी उनको, तो मुझे लगता था कि ये पता नहीं सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक दिन जब मैं छत पे आई तो वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था। बाकी जो 3 बेबीज़ थे वो उड़ने के प्रोसेस में थे, वो घोंसला छोड़ के और किसी टहनी पे बैठे हुए थे वहीं आसपास। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर मैं सोची कि क्यों ना एक चांस लिया जाए, कोशिश करती हूँ इसको बचाने की, क्योंकि मेरे छत पे बहुत सारे कौवे भी आते हैं, बिल्लियाँ भी आती हैं। तो मुझे लगा कि ज़मीन पे शायद ये बच नहीं पाएगा। फिर मैं उसको लेके नीचे गई, और चूँकि मैं नेचर को बहुत क्लोजली हर दिन वॉच करती हूँ, हर दिन देखती हूँ कि कैसे क्या चल रहा होता है, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। और मुझे इतना अच्छा लगा जब वो बच्चा बच गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस क्लिपिंग में देख के आपको लगेगा कि कैसे 2 ही दिन में उसके फेदर्स आने लगे। 2 ही दिन में वो इतना हेल्दी हो गया। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि मैं उसके लिए, जैसे उसकी माँ कीड़े इकट्ठे करती थी मिट्टी से, वैसे ही मैं भी इकट्ठे किया करती थी उसके लिए। हर 1 घंटे पे उसको फीड कराना, हर 1 घंटे पे उसको चेक करना। और यकीन माने ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला काम है। अगर आप किसी की जान बचाते हैं, अपने सामने इस तरह से देख के आप कोशिश करते रहते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकें एक लाइफ को। मेरा जो ये हट आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप वहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे हर साल वहाँ पे डब अपने नेस्ट बनाती हैं। और आप देखें, कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन मेरा देखिए कितने अच्छे से वो प्रोटेक्टेड है। और ऐसी जगह पे ये नेस्ट बनाती हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट बारिश नहीं हो। और यहाँ पर 2-3 नेस्ट इस तरह से हैं। आप लोग वहाँ देखें, मेरे हट के पास हर साल आपको इसी आसपास नेस्ट बने हुए मिलेंगे सनबर्ड के। और इसी रो में आप यहाँ देखें, इसी रो में सेम ऐसा ही एक नेस्ट बना हुआ है जो इधर है। और ये इतनी तेज़ तर्रार होती हैं ये चिड़ियाँ कि इन्होंने इसका जो एंट्रेंस है वो अपोजिट साइड में बना रखा है ताकि कुछ दिखे ना उसमें। इसलिए मैं ठीक से इसको शूट नहीं कर पाई, फिर भी 1-2 क्लिपिंग मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और टेलर बर्ड भी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा है, वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जो भी बड़े पत्ते वाले प्लांट अगर आप लोग लगाएंगे तो टेलर बर्ड ज़रूर आएंगी। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसकी क्लिपिंग मैं दिखा दूँगी क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम अंडे से रही है। और आप यहाँ देखें, ये यहाँ पे बुना हुआ सा कुछ आपको कुछ बनावट दिख रही होगी। और चिड़िया डेफिनेटली अंदर है क्योंकि उसमें उसके अंडे हैं। और मैं लोगों को ना बहुत माइन्यूटली वॉच करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें एक 6 o'clock चला जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर शाम में 6 o'clock दूसरा चला जाता है, फिर पहले वाला आता है। मतलब ऐसे करके माँ बाप दोनों मिलके इसको पालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर दिन मॉर्निंग में आती हूँ चाय लेके और नोटिस करती हूँ कि कैसे इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। मेरे बालकनी में फाइकस के बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। मैं हमेशा सोचा करती थी कि काश इसमें भी बर्ड आ जाए, काश इसमें भी बर्ड आ जाए। और भगवान ने मेरी विश इस बार पूरी कर दी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो किचन है वहाँ से डायरेक्ट वो मेरी बालकनी दिखती है। और जो एंट्रेंस, जो दरवाज़ा है वो भी बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी एक बुलबुल के पेड़ ने वहाँ पे नेस्ट बनाया हुआ है। और मैं कंटिन्यूअस अपने किचन से उनको देखती रहती हूँ, खाना भी बनाती हूँ और उनको देखती भी रहती हूँ। और ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। तो आप लोग भी बड़े प्लांट लगाएं, आप लोग भी फ्लावर वाले प्लांट लगाएं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने टेरेस में या जो भी प्लांट आपने रख रखा है उसमें पेस्टिसाइड का यूज़ और केमिकल किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे, आप खुद ही कंपेयर करके देखेंगे कि जितने जीव जंतु हैं आपके टेरेस के टुवर्ड्स या आपके गार्डन के टुवर्ड्स ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। हम गलती यहीं पे करते हैं कि हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो जीव जंतु पलते हैं वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो इनका फूड ही नहीं रहेगा तो फिर क्या खाएँगे वो। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब एक दिन मैं मिट्टी की गुड़ाई कर रही थी, कुछ सीड्स लगाने थे मुझे, तो बीच में ही मैं उनको छोड़ करके नीचे चली गई। जब मैं आई तो उस पर 5-6 बर्ड्स बैठी हुई थी उस गमले के ऊपर, और मिट्टी से जो भी कुछ निकल रहा होगा, छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें खा रही थी। तो आप लोगों का भी इसमें प्रोटेक्शन होता है, आप लोगों के भी जैसे पेड़ पौधे हैं वो बचे रहते हैं। मैं पेस्टिसाइड का यूज़ अब नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ इतनी बर्ड्स आती हैं कि अभी बारिश के टाइम में जितने भी लार्वा, इल्लियाँ और इस तरह के कीड़े होते हैं वो उनका खाना बन जाते हैं। तो इस तरह से आपसी सहयोग से ये सब चलता रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को बढ़ावा दें। अपने छत पे थोड़ा सा दाना पानी रखें, कोई बात नहीं। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि उससे बहुत गंदगी फैलती है, गंदा कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम साफ़ करेंगे। उनका काम करना है गंदगी फैलाना, हम सफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको करें ज़रूर। और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि कितना सुकून और कितना खूबसूरत नज़ारा होता है इन सब के पीछे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।